तो गाइस हमारी गाड़ी के सीट कवर फट चुके थे, तो जहाँ इतना खर्चा हो चुका हुआ है वहाँ पे क्यों ना सीट कवर डलाएं। तो ये कलर अच्छा लगा हमें, पेट्रोल भी अच्छा लगा, तो यही फिटिंग करवाते हैं, आज डलाते हैं अपनी गाड़ी को सीट कवर, हमारी गाड़ी सुंदर अच्छी लगेगी। फिर गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो अभी उठ चुके हुए हैं, रेडी हम हो चुके हुए हैं, तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग करनी थी वो भी कर ली अभी हमने, तो अभी चलते हैं, मम्मा को बोलते हैं ब्रेकफास्ट बनाओ, तो फिर खाना खाते हैं। अब हमारा खाना आ चुका हुआ है, रोटी दही भिंडी, खाना खाते हैं पहले हम। अभी हमारा खाना आ चुका हुआ है, अभी हम निकलते हैं बाहर के लिए, थोड़ी सी गाड़ी की वास्तु वगैरह सेट करवानी है, टायर सेट करवाना है, तो चलते हैं फिलहाल बाहर के लिए। बाहर बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है, और हम वास्तु को सेट करते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि वास्तु भी लगानी है गाड़ी में। तो ये हमारी रानी सुंदर है, देख रहे हो आप, रानी सुंदर साफ कर दी थी हमने रानी सुंदर को, गंदी थी थोड़ी सी, मैंने सोचा क्यों ना पानी मारते थोड़ी सी साफ करते हैं, अच्छी लगे, बाकी तो वॉशिंग बार से करवाएंगे फिलहाल तो। और इसको फिट करते हैं, अभी हमने लगा दी है, बट हमसे सेटिंग नहीं हुई, तो उसकी स्पीकर वायरिंग वायरिंग है वो करवाएंगे शॉप से, हमारा थोड़ा कैमरा भी ख़राब है, ठीक करवाएंगे इसको। तो अभी हम निकलते हैं बाहर के लिए, तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, निकल रहे हैं घर से, अभी हम जा रहे हैं अखिल भाई और निखिल भाई के पास, उनको साथ लेके चलेंगे, थोड़ा सा गाड़ी का काम करवा देते हैं पहले अपना। बाहर तो इतना अच्छा मौसम हो चुका हुआ है, बारिश हो रही है। अब हमारे भाई आ चुके हुए हैं, जल्दी आओ, ठीक हो गए, मिलाते ठीक है आज, ठीक है चलो बैठो जल्दी। तो अभी हमारे भाई बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब हम जाएंगे पहले टायर ठीक करेंगे गाड़ी का, जो प्रॉब्लम है वो ठीक करवाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जब भी वो ट्रिप लगाए ना कहीं जाते हैं ना, तो हमारा टायर पहले खुश हो जाता है, तो इसे क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्लान बनने वाला है आई थिंक 1 वीक तक, हम जा रहे हैं मनाली, तो आपको साथ लेके चलेंगे, फिलहाल तो पहले चलते हैं आगे। तो अभी हम गए थे वहां पे भैया के पास, भैया की टायर कट लग चुका है, कहते कि चाइनीज टायर है भैया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी को कुछ नहीं है। मैं कहा भैया तो मैंने तो पैसे इतने पे कर दिए, कहता भैया वो चाइनीज टायर है ना, फिर आपको पैटर्न चाहिए था पैसा उस हिसाब से, ये है। मैं कहा अब कहता कुछ नहीं है, जेब करो डिली। मैं कहा जेब हमारी आगे ऑलरेडी डिली हो चुकी है, कहाँ से डिली करें, पैसा एक नहीं जेब में अब। तो कहते भाई अभी ये मुश्किल है, मैं कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले आए, फिर हम अपना ऐसे वरना का टायर करवाया था वहाँ से, अब हम जा रहे हैं नरवाल, वहाँ से जाते हैं टायर काम करवाते हैं थोड़ा सा, चलते हैं पहले। अभी हम पहुंच चुके हैं नरवाल, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ यही काम होता है, हर गाड़ी का मतलब ना हर एक पार्ट का सामान मिलता है यहाँ पे नरवाल से। तो ये शॉप है नरवाल में, चलते हैं इनसे बात करते हैं पहले। तो अभी भैया से बात करिए, भैया कहते हैं हो जाएगा काम आपका, डोंट बी टेंशन लो, वो काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, तो बिल्कुल सुकून मिला, टायर हमने दे दिया, तो टायर को काम चल रहा है अभी। अभी हमने टायर दे दिया इनको, तो बोलते कि मंडे को आना शाम को ले जाना, तो मैंने कहा भैया अभी नहीं मिल सकता, कहते अभी नहीं मिल सकता, को मंडे को मिलेगा। मैं कहा ठीक है, तो अभी मंडे को आएंगे टायर लेंगे यहाँ से। तो बाहर मौसम देखो कितना अच्छा हो चुका है, बट फिर भी गर्मी लग रही है, तो फिर भी हमने गाड़ी में एसी लगाया, देखा गाड़ी में एसी लगाया, मतलब जेब्बा खाली सारा, हमारे पास 1 रुपया है ही नहीं है, तो क्या करें यार। तो प्लान भी बनाना है मनाली का, वो बनाते हैं नेक्स्ट वीक तक। अंकल चाचू रखिए, तो हम जा रहे हैं गांधीनगर, कुछ खाते हैं, मन कर रहा है, अब देखते हैं क्या खाते हैं। तो हमारी गाड़ी पे कहाँ रुकी इन्होंने, कहते हैं रो पियेंगे, यहाँ से रो पीते हैं पहले हम। ये आ चुकी है हमारी रो, भाई पी रहे हैं, कैसी भाई रो? हम भी पीते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, हमने रो पी ली है, और हमारे भाई बोल रहे हैं यहाँ से खाना है चिकन, भाई काफी टाइम से नहीं खाया, तो सोचा चिकन खा लेते हैं, बच्चे माता के गए थे, काफी टाइम से क्रेविंग हो रही थी, तो सोचा खा लेते हैं यहाँ से, काफी दिन हो गए हैं। तो चलते हैं अभी भाई, मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा, तुम आया तो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ेवना, पहले माता रानी का झंडा परवाते हैं, फिर गाड़ी के स्पीकर करवाते हैं ठीक,
पहले चलते हैं परवाने झंडा झंडे को। तो अभी हमने झंडा भरवा दिया, हम जा रहे हैं यहाँ से डॉल्फिन, वहाँ से स्पीकरों की कराएंगे सेटिंग, और हमारा कैमरा ख़राब हो चुका है, देखते हैं अगर नया लगता नया लगाएंगे, नहीं तो उसको रिपेयर करवाएंगे। फिलहाल तो चलते हैं अभी हम। ओए तो अभी हम पहुँच चुके हुए हैं, थोड़ा गाड़ियाँ काम करवाते हैं, डॉल्फिन से करवाते हैं हम काम अपना। तो गाइस हमारी गाड़ी के सीट कवर फट चुके थे, तो जहाँ इतना खर्चा हो चुका हुआ है वहाँ पर क्यों ना सीट कवर लाएँ। तो ये कलर अच्छा लगा हमें, पेट्रोल भी अच्छा लगा, तो यही फिटिंग करवाते हैं, आज डलाते हैं अपनी गाड़ी को सीट कवर, हमारी रानी सुंदरा अच्छी लगेगी फिर। तो अभी हमारी रानी सुंदरा हो चुकी है रेडी, अच्छी लग रही है, फिर हमारे बोल शंकर की फ़ोटो लगा दी हमने, तो आपको दिखाते हैं गाड़ी कैसी लग रही है। फिलहाल तो पहले अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं फिर दिखाएंगे, अगर ऐसे दिखाएंगे ऐसे अच्छी लगी है आपको। अभी जा रहे हैं वॉशिंग करवाने हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अभी नहीं करवानी वॉशिंग, क्यों? बारिश का मौसम है तो गंदी हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। कल या परसों करवाएंगे उसको, कल या परसों? हाँ हाँ ये भी ठीक है, भाई बोल रहे हैं कल या परसों करवाएंगे, वैसे भी मौसम खराब है तो। हाँ मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ गाड़ी की हमारी सीट का कैसे लग रहे हैं, आप देख लो एक बार। मैं साइड लगाते हैं यहाँ पे गाड़ी, आपके लिए स्पेशल रोकी है गाड़ी हमने। तो ये देखो हमारे सीट कवर अच्छे हो गए, अब आगे से कुछ ऐसी लुक गाड़ी के लिए अच्छी लगी ना। ये देखो बस गंदी है, वॉशिंग करवाएंगे इसको, भाई ने मना कर दिया अभी, अभी निकलते हैं। गाड़ी हमारी इतनी अच्छी लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब थोड़ी वॉशिंग हो जाएगी फिर तो बिल्कुल मतलब जब्बर लगेगी, जब्बर तो लगेगी। तो हमारे बोले शंकर जी अच्छे लग रहे हैं ना। तो अभी हम जा रहे हैं, को बताया था जैसे मैंने, हम जा रहे हैं चिकन खाने। हमने चिकन का नाम क्या लिया, आदि भाई। हेलो, हमने जस्ट पूछा उसको कि भाई चलना है, मैं को दिखाता हूँ, हमने जस्ट पूछा उसको कि भाई चलना चिकन खाने, कहता हाँ, मैं कहा पैसे लगेंगे, कहता फिर नहीं आना, मैं कहा ऐसे फ्री चलना, कहता हाँ चलना है। ये मतलब ना पता ना पेटू भुखू है, भुखू मुझ पाल रहे अपना, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, हमने स्पेशल कॉल की भाई अपने को। तो अभी हम जा रहे हैं चिकन खाने, अगर भाई ऐसा होता तो मुंह भी झुकाता है, पहले मुझे बताना इसका मैं सच है। नहीं 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 सब झूठा, हम जा रहे हैं चिकन खाने। तो अभी हमारा चिकन आ चुका है, अखिल भाई लेके आए हैं, अब हम खाएंगे, पैक करवा दिया हमने, यहाँ पे नहीं खाना था हमें, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं कृषि वहाँ बैठ के खाएंगे आराम से, साथ में लेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ से ले रहे हैं गिलास, गिलास लेना, कोल्ड ड्रिंक ले, कोल्ड ड्रिंक थम्स अप लेना, ये अपने मार्जिन साहब हैं, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। तो चलते हैं अभी हम। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हुए हैं, हमारी लोकेशन देखो कितनी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे हमने चिकन खोल लिया अपने अपने, हमारे भाई और खा रहे हैं, लगा हुआ है इसको, पहले अग जा होती है खाने की। तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे ये बढ़िया, तो आपसे मिलते हैं खा के। चिकन फिनिश कर दिया हमने, बड़ा टेस्टी था, अच्छा था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ग्राउंड में, तो अभी हम आए हैं ग्राउंड में, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब सब स्पोर्ट्स में हम जा रहे हैं और हम ब्लॉगिंग में आ रहे हैं। भाई अगर ब्लॉगिंग कर रहा है यार, मतलब सपोर्ट करो यार। आज हमारे साथ आए हैं हमारे आरपी जी, जिम लवर, इनकी जिम भी छुड़ानी है हमने अभी। तो चलते हैं अभी। सो गाइस अभी ग्राउंड से वापस आ चुके हैं घर पे, तो अभी हम जाते हैं घर के अंदर, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शाम के टाइम बाहर, तो बाइक कर दी स्टार्ट, भाई हमारा बाइक देख रहे हैं थोड़ी सी लीक कर रहा पेट्रोल, लीक हो रहा पेट्रोल, तो निकलते हैं पहले बाहर, जो काम है अब चलते हैं, फिर चेक करते हैं इसको भी। तो दुकान में आए थे, जो लीकेज हो रही थी वो अब सब ठीक हो चुकी है, हमारा ठीक हो चुकी है बाइक हमारी, यहाँ से निकलते हैं अभी हम।
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे, थोड़ा सा बाइक का राउंड लगाना था, मन कर रहा था राउंड लगाने का, तो मतलब चला ली थोड़ी सी बाइक का काम था, पेट्रोल लीक हो रहा था वो भी चेक करना था, वो भी करवा लिया, वो भी ठीक हो गया। अब बैठे हुए हैं, मम्मा से करते हैं बात। मम्मा जी, जब मैं घर पे नहीं था मैंने क्या किया? मैंने वृंदावन की कथा सुनी और क्या किया? तो बोर नहीं हुए? कैसे बोर होना था, मेरी याद नहीं आई? जा तेरी कैसी अनजान हो, घूमता रहता ज्यादा तो उसकी आती जो 24 घंटे मेरे पास रहे। तू तो सारा दिन उधर निकल क्या मैं क्या बता, मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मतलब मानसी की आती है, मानसी ससुराल जाती है उसकी ज्यादा आती है। मेरी आती तेरी क्या नहीं, तू सारा दिन घूमता ही रहता, तेरी क्या नहीं? मानसी तो मेरे बगल में रहती थी ना, तो मानसी जही उसकी याद आती थी, तू कभी इधर कभी उधर। चलो ठीक नहीं है, अगर तीन मैं जा, मैंने फिर वहां जाना मनाली, फिर मैं बात बता दूंगा। हां मनाली थी मैं भेज दूंगा, हां भेज दिया। फिर मतलब फिर क्या भेजनी है? फिर तो भेज देना ना। चुप हो जा। क्यों चुप हो जा, ज्यादा बातें कर रहा। हम तो जाएंगे मनाली यार, प्लान पूरा बनाया हुआ है मनाली जाने का, तो मतलब मम्मा को बना ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ पूछ लूंगा पापा को भी, पापा मानेंगे तो जाएगा ना। हाँ वो मान जाएंगे, मेरी बात मान जाएंगे। गाइस मम्मा बना रहे हैं रोटी, मैंने बोला मम्मा रोटी बनाओ भूख लग पड़ी है, तो बना रहे हैं रोटी, तो मम्मा रोटी बना रहे हैं, रोटी खाते हैं हम, रोटी खाते हैं फिर आपसे मिलेंगे गाइस। सो गाइस अब हमारा डिनर हो चुका हुआ है, अब हम इस व्लॉग को हमें एंड करते हैं क्योंकि हमें सोना है, अभी नींद आ रही है, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज जितना हो सके इतना शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।